LCR सर्किट या AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये देखो, ये लगा दिया R, ये लगा दिया L और ये लगा दिया C इन सीरीज। आपके CBSE के कोर्स में सिर्फ सीरीज ही है, पैरेलल नहीं है, ओनली सीरीज। और नीचे वोल्टेज क्या लगा दी, E नॉट साइन ओमेगा टी, जो सबको लगाई इसको भी लगाई। अब जब वोल्टेज चेंज होगी, करंट भी सर्किट में चेंज होगा, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में है तो याद रखना जितना करंट इंस्टेंटेनियस इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। अगर ये I1 है तो ये भी I1, ये भी I1, अगले इंस्टेंट पे I2, 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 I3, 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 I, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, I is changing करंट। पर लेकिन सीरीज में क्या रहेगा, तीनों में सेम। अब करंट सेम रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। करंट का वेक्टर देखो, करंट वेक्टर राइट है, इसके अंदर भी करंट वेक्टर राइट है, इसके अंदर भी करंट वेक्टर राइट लिया, क्योंकि तीनों में करंट क्या रहेगा, सेम। लेकिन आज हमने दो तीन रिजल्ट्स किए। पहला रिजल्ट रेजिस्टर, रेजिस्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी है। इंडक्टर, इंडक्टर में अगर करंट राइट है तो वोल्टेज इंडक्टर में 90 डिग्री आगे होती है, आज प्रूव किया था, तो 90 डिग्री आगे कर दो, एंटी क्लॉकवाइज जाना मतलब आगे होना, VL 90 डिग्री आगे है। करंट को नहीं छेड़ना क्योंकि सीरीज में I की वैल्यू रिमेन्स सेम, तो वो नहीं चेंज करना। कैपेसिटर के अंदर रिजल्ट किया था, कैपेसिटर में करंट से वोल्टेज पीछे है बाय एंगल ऑफ 90, तो देख रहे हो पीछे है बाय एंगल ऑफ 90। तीनों डायग्राम क्लियर है, करंट के वेक्टर को नहीं छेड़ना क्योंकि करंट तीनों में सेम है। इसके अंदर जो वोल्टेज होगी करंट के साथ होगी, इसके अंदर जो वोल्टेज होगी करंट से आगे होगी, इसमें जो वोल्टेज होगी करंट से पीछे होगी। बन गया डायग्राम। अब एक काम करो, एक दो और तीन, तीनों डायग्राम को एक डायग्राम बनाओ। तीनों का एक डायग्राम का मतलब आई को ये देखो ऐसे ही रखो, आई तो ऐसे ही रख लो, आई के साथ वी आर और आई आर इन सेम डायरेक्शन, सेम फेज है, यही था डायग्राम। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज करंट से आगे, मैंने एंगल ऑफ 90, देख रहे हो VL ऊपर है 90 डिग्री, और कैपेसिटर में करंट से पीछे है, मैंने एंगल ऑफ 90, देख रहे हो मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया, एक डायग्राम बना दिया, VL ऊपर, VC नीचे, VR राइट, ये देख लो तीनों डायग्राम को मर्ज करके एक डायग्राम बन गया, सही है। क्या ये रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब ये वैक्टर की प्रॉब्लम बन गई। वैक्टर की कैसे, ये एक वैक्टर है, ये दूसरा वैक्टर, ये तीसरा वैक्टर। तो रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो VR है, और इंडक्टर में VL है, कैपेसिटर में VC है। मुझे नेट वोल्टेज निकालनी है। अगर मुझे नेट वोल्टेज निकालनी है तो देखो, या तो मैं एज्यूम करूंगा कि VL ग्रेटर देन VC है, या फिर VL इक्वल टू VC है, या VL लेस देन VC है, तीनों में से कुछ एक बनेगा। जिन न्यूमेरिकल में VL VC बराबर है तो ये तो कट जाते हैं, नेट वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाती है, VR, बात ही खत्म। वेक्टर की प्रॉब्लम है, आंसर VR है। लेकिन जिन क्वेश्चन में VL ग्रेटर देन VC है, तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को क्या कर देना होता है, माइनस। तो नया वेक्टर इस तरफ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, VL माइनस VC। तो दोनों को सॉल्व करके नया वेक्टर निकाल लिया, ये अज्यूम करते हुए कि VL ग्रेटर देन VC है, और ये VR है, ये VL माइनस VC है। इसकी नेट वोल्टेज अगर निकालनी है तो नेट वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी, इनका वेक्टर सम आएगा, जो कि क्या होगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन सबको आता है। तो क्या बना, ये VR बन गया और ये VL माइनस VC बन गया, इनका वेक्टर सम, दिस इज द नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। लेकिन एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी नहीं, मेरे लिए तो मान लो VL छोटा है VC से। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो डायग्राम ऐसे बना दे, ये VC है, ये VL है, तो नेट वेक्टर क्या आएगा, VC माइनस VL। तो वो अपना नेट वोल्टेज यहां बना देगा, और नेट वोल्टेज क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर VC माइनस VL का होल स्क्वायर। वो तो मर्जी है, एक केस दिखाना है पेपर में, तो मैंने ये केस दिखा दिया कि VL ग्रेटर देन VC है। तो अगर VL ग्रेटर देन VC है तो मेरा जो नया वेक्टर है, ये वेक्टर तो मेरा VR है, और ये जो वेक्टर है मेरा क्या बनेगा, VL माइनस VC।
तो ये मेरी नेट वोल्टेज है, लिख लेना इसके ऊपर, दिस इज द नेट ईएमएफ, ये नेट ईएमएफ है। क्लियर है यहां तक? सारा गेम ऑफ वेक्टर कर दिया, मतलब कमाल है, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेक्टर से सॉल्व कर दिया, साइन कॉस ही छोड़ दिए। यही तो कमाल की बात है इसकी, कि जो काम साइन कॉस ने करना था वो काम वेक्टर ने करना शुरू कर दिया, और एक सेकंड में आंसर आ गया नेट वोल्टेज, और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही आती है। तो इसके अंदर नेट वोल्टेज मेरे पास क्या आ गई, नेट वोल्टेज इसके इक्वल आ गई। ये स्टेप क्लियर है? किसी भी इंस्टेंट पे अगर आई करंट है इंस्टेंटेनियस, तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर, वी एल की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू एक्स एल, और वी सी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू एक्स सी। तो तुम एक काम करो, इसकी जगह आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर, आई तो सेम रहेगा, सीरीज है, आई स्क्वायर अंडर रूट से कॉमन आई आ गया, आई को नीचे ले आया, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट, टोटल ई एम ए बाय टोटल करंट इज टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई नेट रेजिस्टेंस। पर प्रॉब्लम ये है, अब ये चौथी रेजिस्टेंस है, इसको नाम रेजिस्टेंस नहीं देंगे, इसका नाम भी चेंज करेंगे, इसका नाम है इम्पीडेंस, और इसका सिंबल है जेड। तो एल सी आर की नेट रेजिस्टेंस को सिंबल का नाम क्या दिया, जेड, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया। तो आपको क्वेश्चन आएगा एल सी आर सीरीज में इम्पीडेंस निकालो, तो ये फॉर्मूला काम आएगा आपके। तो समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे नेट वोल्टेज क्या आई, ये आई आपको पेपर में ऐसे गिवन होगा कि अगर मान लो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था, तीन रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, बोलो नेट वोल्टेज कितनी है तीनों में, 30 वोल्ट है। इलेक्ट्रिसिटी में तो ये चलता था। इसके अंदर एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे गिवन है। इसमें 10 वोल्ट है, वी आर की वैल्यू 10 वोल्ट है, वी एल की वैल्यू 10 वोल्ट है, वी सी की वैल्यू भी 10 वोल्ट है, बोलो नेट वोल्टेज कितनी है, अंडर रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी, 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, नेट आंसर क्या आ गया, 10। ऐसे मत कर देना 10 प्लस 10 प्लस 10 30, फिर तो गेम ही खत्म है। एसी के अंदर वो चलता ही नहीं है, वोल्टेज ऐड करने का तरीका एसी में ये चलता है। तो नेट वोल्टेज समझ में आ रही है कैसे लगानी है, ऐड मत कर देना, ऐसे करना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, R 10 ओम है, एक्स एल 10 ओम है, एक्स सी 10 ओम है, आपसे पूछेगा नेट इम्पीडेंस कितनी है, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया, ये फॉर्मूला था नेट रेजिस्टेंस का। तो तुम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, 10 ओम। ऐसे मत ऐड करना रेजिस्टेंस को, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम हो गई ना, आपको इम्पीडेंस भी नेट रेजिस्टेंस भी इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करना है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के रूल चल नहीं रहे। सही है? नेट वोल्टेज कैसे करनी है समझ में आ रहा है? अगला लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स का ही है, समझाऊंगा उसमें भी। नेट इम्पीडेंस समझ में आ रही है कैसे करनी है? नेट इम्पीडेंस आ गई। अगर इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में करंट को तो मैंने टच किया ही नहीं कभी भी, क्योंकि करंट तो इसमें समय सेम ही रहेगा, ये करंट है। सभी वोल्टेजेस को सॉल्व करके ये वेक्टर क्या है, नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज है, नेट ईएमएफ है, ठीक है। नेट ईएमएफ ने करंट के साथ क्या एंगल बनाया, फाई। तो एलसीआर में अगर वीएल ग्रेटर देन वीसी है, उसमें नेट ईएमएफ आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाई। और क्वेश्चन में पूछेगा फाई कैसे निकलेगा, फाई ऐसे निकलेगा, टेन फाई इज वीएल माइनस वीसी बाय वीआर, ऐसे। तो आपको तीन वोल्टेज देगा, वीएल देगा, वीसी देगा, वीआर देगा, फाई पूछेगा कि ईएमएफ कितना आ गया करंट से एलसीआर में, ये बताओ, पुट कर लेना। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, वीएल का मतलब आई इंटू एक्सएल, वीसी का मतलब आई इंटू एक्ससी, वीआर का मतलब आई इंटू आर, आई 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 कैंसिल, ये फॉर्मूला। तुम एक्सएल एक्ससी और आर देगा तो भी फाई निकल जाएगा, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर वो ये कहेगा, अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल में प्लॉट करो, इसको इस फॉर्मूले को, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये बन जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये क्या बन जाएगा, आर टेन फाई। और इमेजिन करो ये एंगल फाई है, और अगर पाइथागोरस लगाएं तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, उसी को क्या बोलते हैं, जेड।
तो ये पाइथागोरस से ये जो साइड है ये आपको इम्पिडेंस ऑफ सर्किट दे रही है, इसलिए इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इम्पिडेंस ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस लगा के आंसर जेड आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, तो इम्पिडेंस ट्राइंगल सभी रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करता है। तीन स्पेशल केस हैं, अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो फाई क्या हो जाएगा, जीरो। फाई जीरो का मतलब है, फाई का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर वोल्टेज और करंट में एंगल जीरो हो गया, यानी कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, इसका मतलब ये सर्किट कौन सा है, नॉन इंडक्टिव है। इसमें इंडक्टर का कोई काम नहीं है, सिर्फ रजिस्टर का काम है, ओनली रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में ईएमएफ और करंट आर इन सेम फेज। और अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है तो फाई पॉजिटिव आएगा, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि एक्सएल का रोल बड़ा है एक्ससी से। और अगर एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, टेन फाइव नेगेटिव आएगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। और ये दो दो चीज़ें और हैं, इम्पिडेंस ट्राइंगल से जेड आ गया, हमारे पास कुल मिला के कितनी रेजिस्टेंस आ गई, एक तो आर आ गया, इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है एक्स एल, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या है एक्स सी, टोटल रेजिस्टेंस क्या है तीनों की जेड, आपस में रिलेशन है। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, हमारे पास दो रिएक्टेंस हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके रेसिप्रोकल का नाम है ससेप्टेंस। कभी कभी न्यूमेरिकल में ससेप्टेंस देगा, उसका रेसिप्रोकल लेके तुम एक्सएल एक्ससी निकालोगे। और ऐसी रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस, वो जानबूझ के जेड नहीं देगा, एडमिटेंस देगा, रेसिप्रोकल लेके जेड आएगा। बहुत नाम है इसमें याद करने वाले, मैं समझ सकता हूँ। ठीक, बिना टेस्ट के तो मतलब ही नहीं ना कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, थ्योरी नहीं आता तो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, नाम ही नहीं आता तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा। तो अगली बार तो 100% इसका टेस्ट बनता ही बनता है सभी टॉपिक्स का। तो इसके अंदर एलसीआर में क्या किया, ये एलसीआर सीरीज में लिया, करंट सेम लिया, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, वोल्टेज आगे वोल्टेज पीछे, इन्हें आपस में इकट्ठा ले लिया, मैंने अज्यूम कर लिया वीएल ग्रेटर देन वीसी, तो डायग्राम ऐसा बन गया, ये वीएल माइनस वीसी और ये वीआर, तो नेट वोल्टेज की वैल्यू पाइथागोरस से ही आ गई। फिर मैंने I into R करके इम्पिडेंस निकाल दी, इम्पिडेंस का फॉर्मूला याद कर लो, टेन फाई निकाल दिया, ये ना टेन फाई से ओम लॉ लगा के टेन फाई का एक नया वैल्यू आ गया, ये सब एल सी आर है, और यहाँ से इम्पिडेंस ट्राइंगल आ गया। ये आपने पेपर में लिख के आना है, अगर मैं कहूँगा एल सी आर के बारे में लिखो, ये पूरा आएगा डायग्राम के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है,